पीता क्या? चांस ही नहीं है। जिस दिन से मुझे वादा किया था कि सिगरेट नहीं पियेंगे, पापा ने एक भी बार नहीं पी। मुझे नहीं पता तू पी के इतना ड्रामा कैसे करती है। अरे ठीक से चला क्या? नहीं ठीक है। लड़का अच्छा था ना वो? ये लो। शायद मान ले रिलेशनशिप में थी। छी, मैरिज से पहले बिल्कुल नहीं। सोच अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तो गई काम से। हंस क्यों रही है? और फिर सब कुछ बदल गया। द फ्राइडियन प्रिंसिपल गोज फॉरवर्ड विद देम यूपीएन प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल बोथ ऑफ द कंक्लूजन हैज इट इज प्रूव्ड। क्या हुआ बेटा, बताओ ना, बता बेटा। पता नहीं पापा। इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था हमने। माँ छोड़ो उसको, चली जा इस घर से। क्या कर रही हो माँ? जा। माँ माँ शांत हो जाओ। माँ बंद करो तुम्हारा। आपको अभी मुझ पर यकीन नहीं है ना? आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे? मैं भी पीऊंगी। क्या हुआ करुणा, गिफ्ट लाया? बताना। माँ ने कुछ कहा क्या तुझे? प्लीज उनकी बातों का यकीन मत कर। इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए, मुझे ये घर नहीं चाहिए। करुणा ने मुझे बर्थडे पे विश भी नहीं किया। इतना जरूरी हो गया तेरा बर्थडे? ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बाहर ही डालो ना मुझे फिर। माँ मेरे बारे में कितना बुरा बुरा बोल रही है। मैंने कुछ बुरा नहीं कहा। चुप रही है। चुप हो जा अरवी। नहीं करनी, समझी? इधर आ। अगर तेरी गलती नहीं होती तो अब तक तू आत्महत्या कर चुकी होती। हमसे इस तरह लड़ने के लिए जिंदा नहीं रहती। जरा खुद को देख गौर से, कौन सुनेगा तेरा झूठ? अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे, घर छोड़ दे हमारा। पापा, आरुबी के घर में प्रॉब्लम हो गई है, वो यहाँ रहेगी तो? रहने दो, क्या प्रॉब्लम? पापा बाय। ओके बाय आरुबी, बाय। बाय बेटा। तुम्हारी खुशी में चीयर्स।
जल्दी कर महाराजा। कितना टाइम लगता है तुझे, बाकी लोग क्या करेंगे? सुनना, एक हरी वाली पैंटी नहीं मिल रही है, तेरे बैग में चेक करूं? तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना? गीता को जानती है तू? सारे मोहल्ले में हल्ला मचा रखा है, अब हरी पैंटी नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? सारा घर उथल पुथल करके रख दिया है उसने, पैंटी चोर को कोस रही है वो बार बार। बेचारी थक कर मुझे कह रही थी, हर किसी का स्कर्ट उठा के तो नहीं देख सकती, तो जिसने भी ली हो वो चुपचाप मेरी पैंटी मुझे वापस कर दे। मैंने तो साफ कह दिया, एमिली किसी का सामान नहीं चुराती, एमिली अपना अंडरवेयर अपने साथ ही रखती है, मुझे किसी के अंडरवेयर में इंटरेस्ट नहीं है। सही कहा ना मैंने? ये अरुण मनी सर का ऑफिस कितने? हाय है वो रहा। थैंक यू। दस दिन की टेलरिंग की ट्रेनिंग होगी, फिर तुम खुद से कर सकती हो, महीने के 3,000 मिलेंगे। मन लगा के काम करना, ठीक है? थैंक यू सर। अरवी मर्द ना सारे, एक बार ये ऐश्वर्य राय को पलट कर नहीं देखेंगे, पर बार बार हमें घूरने से बाज नहीं आएंगे। हम क्या इतने सुंदर होते हैं? ₹8,000 ही है। पापा को हार्ट अटैक आया है सर, अगर आप 1,00,000 रुपए दे सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। बैठ जाओ। मैं लौटा दूंगी सर। पहले बैठ जाओ। सुनो, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो सकता है, समझ गई ना? इतना ही हो पाया मुझसे? पापा मुझसे नहीं मिलेंगे क्या? अरवी, तुम बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें माफ कर देंगे? मैं अपने बाप का ख्याल रख सकता हूँ, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ प्लीज। इसे ध्यान से पढ़ना और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। स्वयं का चित्त जागृत करना बहुत आवश्यक है, वही अज्ञान से बाहर निकालता है। दुनिया घूमने से ज्यादा ये खाना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कौन हो तुम? सर, ओल्ड स्टूडेंट अरुवी। हाँ अरुवी। सर कौवा देखे? एमिली चल भाग भाग। कौन था? स्कूल में गलत तरीके से छूटा था। Yeah.
सब ठीक हो जाएगा। टेररिस्ट अरवी जो कि पुलिस हिरासत में मेडिकल अटेंशन में है, उससे आईपीएस शकील वहाँ पूछताछ कर रहे हैं। आतंकवादी अरवी के बारे में ज्यादा सारी जानकारी ज्वाइंट कमिश्नर पुष्प लता ने दी। अच्छा सुनो, तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। सब कुछ सच बताना, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, समझ रही हो? नाम क्या है? अरुवी। उम्र? 25 साल। माँ का नाम? बाप का नाम? यहाँ कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? हेलो माँ, माओइस्ट या नक्सलवादी हो? ए, हंस क्यों रही है? जो पूछ रहे हैं उसका सही से जवाब दे, ज्यादा होशियारी मत कर, समझी? कितने पासपोर्ट हैं तुम्हारे पास और ट्रेनिंग कहां से ली? दंतेवाड़ा? देखो, अगर सब कुछ अपना कैडर वगैरह बता दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। कोशिश क्यों नहीं करते? ए, सांप के साथ इस तरह बात करती है? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ।